हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन की बिरयानी कुकर में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, उसको गैस पे रखकर गैस को ऑन किया है और इसमें 2 बड़े चम्मच लगभग ऑयल हम ऐड कर रहे हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें 3 से 4 बे लीव्स ऐड कर दिए हैं, प्लस कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे लौंग है, काली मिर्च है, सिनेमन स्टिक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। खड़े मसाले हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें 8 से 10 लहसुन की कली को बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसके बाद 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ और इनको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। प्याज जो है हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इस मोमेंट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 14 से 15 हरी मिर्चों को बीच में से कट करके ऐड कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं सौंफ पाउडर, स्मॉल स्पून है ये, और घर में तैयार किया हुआ है, बहुत बारीक नहीं है और थोड़ा सा मोटा रखा है इसे, तो 4 स्पून इसको ऐड करके मिक्स किया है। तुरंत ही बाद इसके हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर, जो हम ऐड कर रहे हैं वो है ये 2 चम्मच, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इमीडिएटली हमने जो 1/2 kg चिकन है इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो इसको ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फ्लेम को जो है मीडियम रखेंगे और इसको मिक्स करते साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। नमक जो ऐड किया है मैंने इसमें 4 से 5 स्पून ऐड किया है। मैं 1 कटोरी चावल पे 1 चम्मच नमक ऐड करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 कटोरी चावल लिए हैं प्लस 1/2 kg चिकन है, तो इसलिए मैंने 5 स्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको भून लेते हैं। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये मैंने पके चावल लिए हैं, तो 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके, तो अब इस मोमेंट पे इसको ऐड कर रहे हैं। सभी चावलों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी जो ऐड किया है इसमें 4 ग्लास पानी है प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। चावल का भी मैं बता देती हूँ आपको, 1 कटोरी चावल पे हम 1 गिलास पानी ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हैं और गिलास इस साइज़ का है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ, चिकन के साथ। कुकर की जो लिड है उसको बंद कर देंगे और फ्लेम को जो है मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई और लो नहीं रखना है, और इसको हमें 1 विसल आने तक वेट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। 1 विसल आने के बाद सारी गैस जो है वो रिलीज हो गई है, आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एकदम से खिले खिले चावल जो है वो बनके तैयार हुए हैं, और अब इनको आहिस्ता से उठा के एक बर्तन में, बड़े बर्तन में पलट लेंगे और इसमें हम कलर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपको कलर के लिए यूज़ नहीं करना है, 5 से 6 चम्मच आप पानी लें, उसमें कुछ 2-3 पिंच कलर का ऐड करेंगे, और मैंने कुछ ड्रॉप्स जो है केवड़ा वाटर के भी ऐड किए हैं, तो मिक्स करके मैं ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम कलर को मिक्स कर लेंगे। बिरयानी के कलर को चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से खिली खिली हमारी कलरफुल बिरयानी जो है वो बनके तैयार हुई है, और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। गाइस, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और नई सिंपल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।